उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की नई सड़क इलाके में हुई हिंसा में पुलिस की कार्यवाही के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। अब आशंका जताई जा रही कि मास्टरमाइंड हयाज जफर हाशमी और उसके साथियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में एक प्राइवेट बैंक 2019 के एक खाता खोला गया, जिसमें 30 जुलाई 2019 की तिथि में 3,54,00,000 रुपए जमा किए गए। सितंबर 2021 को 98,00,000 रुपए का एक मुश्त निकाला गया। अभी इस खाते में 1,27,00,000 रुपए पड़े हैं। इसी तरह अन्य दो खातों की जानकारियां जांच एजेंसी को मिली है। इन खातों में महज 2-3 सालों में 47,68,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। अब तक खातों में महज 11.5 लाख ही बचा है, जबकि ये खाते 2019 में खोले गए थे। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही कि जल्द ही ईडी इस मामले की जांच करेगा। इसके अलावा आज कानपुर पुलिस ने हाशमी की रिमांड भी मांगी है। अब तक इस मामले में 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बीच एक सोशल मीडिया ग्रुप भी सामने आया है, जिसमें लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कानपुर हिंसा मामले में जहां पुलिस सख्ती से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, तो वहीं एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा भड़काने वाले लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। हिंसा भड़काने के मामले में आरोपी नदीम कुरैशी के नाम से यह व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हाजी इरफान सोलंकी, जो सीसामऊ से विधायक हैं, और अमिताभ वाजपेयी, जो आर्य नगर से विधानसभा विधायक हैं। सपा जिला अध्यक्ष इमरान को एडमिन बताते हुए ग्रुप में एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान चलाते हुए उनकी दुकानों से सामान न खरीदने का ऐलान किया गया है। आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसका संज्ञान सोशल मीडिया पर कार्यवाही करने वाली SIT टीम ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।